हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नए बेबलेट मेकिंग वीडियो में। और गाइस, आज हम बनाने वाले रेस स्ट्राइकर, जो कि एक अटैक टाइप बेबलेट है और जिसका यूज़र है मासम होने। और गाइस, ये बेबलेट पहली बार दिखाया गया था बेबलेट मेटल मास्टर सीरीज में। और गाइस, ये बेबलेट दिखने में भी काफ़ी कूल है। और गाइस, इस बेबलेट को हमने पूरी तरह से हाथों से ही बनाया। और गाइस, इसे बनाने के लिए हमने किसी तरह का मशीन या पावर टूल यूज़ नहीं किया। तो चलिए गाइस, इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, हमने बेबलेट के सभी पार्ट बना लिए थे और मैंने फ़िट करके चेक करा था कि सभी पार्ट ठीक से फिट हो रहे नहीं, पर गाइस सभी पार्ट परमानेंटली फिट हो चुके हैं। मैं उन्हें निकाल नहीं पा रहा दोस्तों। सो गाइस, मैं इसका बेबलेट का असेंबलिंग वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं इसके बेबलेट का क्विक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि इस बेबलेट को मैंने कैसे बनाया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे बेबलेट का जो फ्यूजन व्हील है, इसे हमने कट करके निकाला है इस वाटर वाल्व में से। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने इसे यहाँ से कट करके निकाला है हमारे होममेड 100 ब्लेड से। सो गाइस, इसे कट करने के बाद हमने इसे अच्छे से पॉलिश भी कर दिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। और सच बताओ दोस्तों, इसे यहाँ से काटने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। इसके लिए गाइस, एक लाइक तो बनता है। और गाइस, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब को बटन को दबा दो। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अभी हम बनाने वाले स्पिन ट्रैक। सो गाइस, स्पिन ट्रैक को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पीवीसी कैप का। सो गाइस, हम पीवीसी कैप को बीचों बीच फिट कर देंगे। फिर गाइस, उसका एक्स्ट्रा मंडल को दोनों साइड से कट कर देंगे। फिर गाइस, हम पीवीसी पाइप को फिट करेंगे। फिर सीपीवीसी पाइप को फिट करेंगे। फिर सबसे छोटा वाला सीपीवीसी पाइप को फिट करेंगे। फिर गाइस, आर पार एक छेद कर देंगे। फिर गाइस, उस छेद में हम मेटल की पिन फिट करेंगे। इस मेटल की पिन फिट करने से क्या होगा दोस्तों, हमारा जो स्पिन ट्रैक है ये पूरी तरह से एक सॉलिड पीस बन जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप इसे कितनी भी ज़ोर से टक्कर मारो या कितनी भी ऊपर से गिरा दो, इससे कुछ नहीं होगा, इसके पार्ट कभी अलग नहीं होंगे। सो गाइस, हमारा स्पिन ट्रैक हो चुका है रेडी। तो चलिए गाइस, फटाफट से बनाते हैं हमारे बेबलेट का एनर्जी रिंग। सो गाइस, हमारे पास दो पीसी पाइप है, जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर और दूसरी की थिकनेस है 2 मिलीमीटर। सो गाइस, सबसे पहले हमें इसे गर्म करके फ्लेक्सिबल करना होगा। सो गाइस, जब गर्म होकर फ्लेक्सिबल हो जाएगा तब हम इसे टाइल्स पर रखकर फ्लैट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो गाइस, हमने पहले से दो पीस बना के रखे। सो गाइस, ये फ्लैट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ ड्राइंग्स बनाई है हमारे स्ट्राइकर के एनर्जी रिंग के लिए। सो गाइस, ये वाली जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग के पार्ट्स बिल्कुल भी फिट हो जाते हैं हमारे फ्यूजन व्हील के ऊपर। सो गाइस, इसी ड्राइंग का यूज़ करके हमने कुछ पार्ट काटे है हमारे स्ट्राइकर के एनर्जी रिंग के लिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, इसी पार्ट का यूज़ करके हमने जो पीवीसी पाइप जो फ्लैट किया था उसके ऊपर ड्राइंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो गाइस, ड्राइंग करने के बाद हमें इसे कट करना होगा, तो कट करने के लिए यूज़ करेंगे हमारा ये होममेड कटर। सो गाइस, इस कटर को बनाना बहुत ही आसान है। पहले एक सेंटिंग रोड लेनी, इसे इस तरह से मोड़ देना है, फिर एक सेंटिंग तार बांध देनी, फिर एक हैंडल ज्वाइन कर देना है। सो गाइस, हमारा होममेड कटर तैयार। तो चलिए गाइस, इसे फटाफट से कट करते हैं। सो गाइस, पहले जब हमने 2 मिलीमीटर का पाइप लिया था उसके पार्ट ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। सो गाइस, इस बार हमने 1 मिलीमीटर का पाइप लिया, तो चलिए गाइस, इसे फटाफट से कट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सारे पार्ट्स कट कर लिए फिर से। और गाइस, हमने इसे अच्छी तरह से मोड़ भी दिया ताकि एक ऊपर अच्छे से फिट आ जाए। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। सो गाइस, इन्हें फटाफट से चिपका लेते हमारे एनर्जी रिंग पर। चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Thank you.
और दोस्तों हमने एनर्जी रिंग बना लिया जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, और गाइस हमने इसे एमसीएल भी लगा दिया ताकि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम बनाने वाले बेबलेड का परफॉर्मेंस चिप, उसके लिए हम मार्कर का टेप लेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये वाला। तो चलिए गाइस इसे फटाफट से कट करते हैं। सो गाइस हमने कट कर लिया है बिल्कुल भी अच्छे से। सो गाइस हमने इसे कट करके क्लीन कर लिया। सो गाइस अब हमने पेपर की स्ट्रिप लेनी है दोस्तों और इसे हमें मोड़ कर रोल बना लेना है। तो गाइस हमने इसे मोड़ लिया। अब गाइस हम स्किप कर देना है, गाइस हमारा फिट हो चुका है। हमने यहाँ पर वॉलीबॉल का ट्यूब लिया है, आप चाहे तो साइकिल के ट्यूब भी ले सकते हैं। तो गाइस हमारे फ्लैट रबर परफॉर्मेंस से बन चुकी है। सो गाइस अभी हम एमसील का यूज करेंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस टिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो गाइस हमने स्ट्राइकर के एनर्जी रिंग को कलर कर लिया जिसके आप देख रहे हो दोस्तों। और गाइस हमने दो फेस बोर्ड भी बनाए, इसे हमने बनाए बोटल कैप से और इसे बनाए पीसी पैप से। और गाइस हमने स्ट्राइकर की ड्राइंग भी बना ली जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों। तो चलिए गाइस इन सब को करते हैं असेंबल। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों हमने स्पिन ट्रैक को भी कलर कर लिया है।
तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और गाइस आप और भी होममेड बेबलेट्स एंड बैटल देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हमें कौन सा बेबलेट बनाना चाहिए इसके लिए कमेंट भी कर देना, जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे हम वही बेबलेट बनाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।